हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडे इस वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में आए हुए डंप का सुबह से मार्केट डंप कर रहा है इसका रीजन आपको हमने बता दिया था कि एफ का हैकर जो है यहाँ पे कोशिश करेगा इथीरियम अपने डंप करने की ही हिमे और मे नॉट सेल तो उसके कारण इथीरियम के आसपास थोड़ा सा रेडनेस रहेगा तो इसके साथ हमने आपको दिया था मार्केट का शॉर्ट एंड इथीरियम का शॉर्ट तो उनका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है किस तरीके से हमने उसको प्रॉफिट बुकिंग करी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड द न्यू कॉल्स इन द मार्केट जो अभी हम ले रहे हैं चलते हैं चार्ट की साइड एंड देखते हैं मार्केट्स में क्या चल रहा है यह करंट बिटकॉइन का चार्ट एंड आप देख सकते हो market has come down. रफली हमने 16,500 से लेके नया बॉटम बनाया था अराउंड 15,897 तो 4 परसेंट का ड्रॉप बिटकॉइन में आया है एंड अगर हम इथेरियम को ऑब्जर्व करें सेम टाइम पीरियड में तो रफली इतना ड्रॉप आया 6.7 परसेंट कल इथेरियम का प्राइस कुछ इस एरिया में था जब जो हमने वीडियो अपडेट बनाई थी एंड तब से मार्केट प्राइस थोड़ा ऊपर गया एंड देन इट फेल डाउन तो कल हमने किस तरीके से इस इसको हैंडल करा उसके बारे में देखते हैं तो मैंने मार्जिन अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ किया बिकॉज मैं रिटेस्ट पे इसको दोबारा शॉर्ट किया हूँ इसलिए मेरा प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया फिर हमने यहाँ पे 20 परसेंट पोजिशन हमने क्लोज की थी 20 परसेंट प्रॉफिट में उसके बाद अपू थर्टी वन परसेंट तक गई है जहां पे हमने इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया बल्कि वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटिक फॉलोज इथीरियम तो यहाँ पे मैटिक को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है जो हमने लिया था एंड मैटिक शॉर्ट हमारा वीडियो के बाद स्टार्ट हो गया था फोर्टीन तो परसेंट तक गया जहां हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया एंड फाइनली नाइनटीन परसेंट पे मैंने इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है रीजन क्या है कम्प्लीटली क्लोज करने का रीजन ये है कि हम बिटकॉइन में देख रहे हैं कि सपोर्ट गेन कर रहा है एंड इसके अराउंड मैंने अब बिटकॉइन का जो है एक लॉन्ग यहां पे ओपन करा है जो कि मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था तो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप अगर आप ग्रुप पे नहीं है मैं वहां पे अपने ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूं इंक्लूडिंग वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद अभी एफ के हैकर ने अराउंड 15,000 इथेरियम को डंप करा है कल इसमें 200,000 इथेरियम थे तो उसके बाद मार्केट नीचे गया एंड अब जाके मार्केट थोड़ा थोड़ा उठ रहा है मेरा बिटकॉइन का लॉन्ग यहाँ पे स्टार्ट हो गया साथ ही साथ हमने सोलाना का भी एक थ्री एक् शॉर्ट खोला है आई एम एक्सपेक्टिंग कि सोलाना दस डॉलर के नीचे जाएगा एंड वहां पे हम इसको कैपिटलाइज करेंगे कल भी मैंने आपको अपडेट में बताया था कि सोलाना जैसे ही अपना सपोर्ट ब्रेक करता है आई विल शॉर्ट शॉर्टिंग इट तो हम यहाँ पे इसका शॉर्ट स्टार्ट हो गया है अभी एक्सपेक्टेशन है वापस से जाएगा रिटेस्ट करने एंड यहाँ पे मैं एड करूंगा थोड़ी सी और पोजिशन ट्वेल ट्वेल्व पॉइंट डॉलर के आसपास एंड उसके बाद अगर सपरी रिजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ जाता है देन आई विल भी क्लोजिंग एट नहीं आता है तो हमारा फिर यहाँ पे शॉर्ट कंटिन्यू रहेगा बात करते हैं बेटकॉन

पे नहीं भरोसा करते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक इन डीवाई डी एक्स जो एक एक्सचेंज है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा लेट्स सी आज मार्केट में क्या तो सब तो सबसे पहले हमें देखना है कि सपोर्ट होल्ड करता है नहीं करता है आई पर्सनली थिंक यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करना चाहिए इट शुड नॉट फॉल दैट फास्ट थोड़ा सा ऊपर जाए थोड़ा सा बुल ट्राप करे उसके बाद गिरता है तो सेंस भी बनता है राइट अभी इतने बड़े ड्रॉप के बाद अब बेयरिश हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनको बुलेट्राप देना चाहिए आई थिंक वेल्स विल मेनुपुलेट द मार्केट टू अपू से सिक्स हंड्रेड आई नो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ लेकिन दिस इज इंप्लीटली पॉसिबल ऑल्ट कॉइन्स में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गुड मूव बट बिटकॉइन शुड गो टू से जारी है मैंने आपको बताया था इथीरियम तो अभी भी मेरा स्लो ही है जब तक वन थाउजेंड डॉलर या उससे नीचे नहीं आ जाता है तब तक हम इथीरियम पे ज्यादा बाइंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ मैट्रिक अनादर कॉइन जिसकी मेरी नजर रहेगी एंड आई विल बी बाइंग इट एट अंडर 75 cents, तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव के नीचे हम इसका वेट कर रहे हैं फैन क्या है कि दैट इज अ वेरी गुड प्राइस एंड ओल्ड कॉइन जो है अभी भी इतना नहीं गिरे हैं आप देख सकते हो बिटकॉइन डॉमिनेस फोर्टी पॉइंट नाइन पे है इस टाइम पे एंड इस मार्केट कंडीशन में इतनी गंदी जो मार्केट सिचुएशन हो रखी है बे मार्केट का पीक चल रहा है इस टाइम पे तभी भी हमारी डोमिनेंस अगर इतनी ऊपर नहीं है इसका मतलब क्या है कि लोग अभी भी ऑल्ट कॉइंस पर भरोसा कर रहे हैं जो कि हमारे पास इंडिकेट करता है कि अभी भी कैपिटुलेशन नहीं आया है इसका मतलब क्या है लोगों ने मास सेलिंग नहीं करी है लोगों में अभी इतना डर नहीं बैठा है बिटकॉइन डोमिनेंस इज अवर सिग्नल की हमें कब बाय करना है मेजरली कब हमें एस करनी है ठीक है तो अभी तो मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइंस को टच नहीं करूंगा फोर्टी थ्री के आसपास करेंगे हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाना स्टार्ट करी थी ऑल्ट ऑल्डकोइन लीड करना स्टार्ट करे थे तो ये जून का है जब जून में चला गया तो अभी भी आई थिंक जाना

कैन बी अनदर बिग लिक्विडेशन इन द मार्केट एंड दिस कैन डेफिनेटली टेक बेट कॉन अंडर टेन थाउजेंड डॉलर लेकिन ये फिर एक और ब्लैक स्टोन इवेंट है so, इसको हम अभी इस नहीं कर रहे हैं बट कीप दिस इक ऑफ योर माइंड अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कितनी बड़ी कर रहे हो ये दिमाग में रख के चलनाट गाइस निकोर की आप किसी भी सेंटलाइज एक्सचेंज में ना हो मैं सुन रहा हूं बहुत बुरी खबरें इवन अबाउट इंडियन एक्सचेंजेस तो किसी भी इंडियन एक्सचेंज में आप हो चाहे किसी ने भी रिकमेंड किया हो चाहे मैंने रिकमेंड किया हो गेट आउट ऑफ सेंटलाइज एक्सचेंज इसउ इट्स हाई टाइम कि आप मेटा मास्क में शिफ्ट कर ट्रस्ट वालेट में शिफ्ट कर ले फिर बाय अ लेजर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेवेंटी एंड इट्स बेटर की आप एक लेजर खरीद लें उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा मैं बिट से बात करिए दे आर एबल टू प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट कोड जो नीचे मिल जाएगा एन लिंक तो इससे जितनी कमाई होगी इफ वी क्रॉस अराउंड सिक्स सेवन थाउजेंड रुपी का एफिलियट इनकम देन आई विल प्रोबेबली डू अ गिव अवे एक लेजर खरीद के उससे भी सो इट्स अ विन विन सिचुएशन गो चेक दैट आउट ऑल्सो थोड़ी सी लेटर बिकॉज आई वॉज टेकिंग पार्ट इन अ पॉडकास्ट सो ग्रोथ फ्रेंड्स हमारा पॉडकास्ट है दैट यू कैन चेक आउट जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा मैं एंड मेरे फ्रेंड्स जो कि सब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वी टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड अदर स्टफ मे बी यू विल फाइंड दैट इंटरेस्टिंग आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन जैसे